लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पे गठबंधन पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लगातार बातचीत का दौर जारी है तो दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश कमेटी में गठबंधन को लेकर दो गुट बन गए हैं। एक गठबंधन के पक्ष में है और दूसरा गुट गठबंधन नहीं होने देना चाहता है। दिल्ली अध्यक्ष शीला दीक्षित खुद पहले ही गठबंधन करने को लेकर साफ मना कर चुकी है। इन्हीं सब मुद्दों पर जनतंत्र टीवी के संवाददाता ने दिल्ली कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया से बातचीत की। कांग्रेस के सीनियर लीडर राजेश जी हमारे साथ हैं। सर, गठबंधन को लेके जिस तरीके से चर्चा चल रही है, दो गुट बने हुए हैं, आपका क्या कहना है उसमें? नहीं, कोई गुट नहीं बना, गुट सिर्फ एक है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। वो ये गुट है कि हम लोग अपने आप चुनाव लड़ने में सक्षम है, सातों सीटें जीतने में सक्षम है और हमने ये वाली भावना अपनी राहुल गांधी जी के सामने रख दी है। जी की अगर बात करें या पीसी चाकू जी की बात करें तो वो गठबंधन चाहते हैं सर? देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उनका क्या नजरिया है वो उसको बेहतर समझते होंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से और कार्यकर्ताओं का, मैं वो बात कर रहा हूँ जो कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मतलब मैं सामूहिक बात करना चाहता हूँ, कांग्रेस के संगठन की बात करना चाहता हूँ, मैं कोई इंडिविजुअल पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता हूँ। आगे की किस तरीके क्या गठबंधन हो सकता है? देखिए, गठबंधन हो सकता कैसे है, मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जब दो परिवारों में रिश्ते की बात की जाती है तो पत्रियां मिलवाई जाती हैं, और पत्रियां जब मिलवाई जाती हैं और उसमें चेक करते हैं कि गुण मिल रहे हैं लड़का लड़की के या नहीं, तो अगर गुण नहीं मिल रहे तो घर के बड़े जो होते हैं वो कहते हैं कि भैया यहाँ पर रिश्ता मत करो, यहाँ पर सरफटव्वल होगी। तो कोई भी नहीं चाहता कि सरफटव्वल हो, और उनका पास्ट रिकॉर्ड, आम आदमी पार्टी का पास्ट रिकॉर्ड रहा है कि हमने उनको सपोर्ट किया लेकिन उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ में झूठे वायदे किए वो पूरे नहीं किए, तो हमारे उनके साथ में किसी भी तरीके से कोई तालमेल नहीं बैठता। तो मुझे नहीं लगता ये गठबंधन जो एक रिश्ते की तरह है ये कभी संभव हो सकता है। क्या मान लिया जाए गठबंधन नहीं होगा, सातों जो उम्मीदवार है वो जल्द हो जाए आगे चुनाव प्रचार में? लगभग हमने वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, शीला दीक्षित जी ने सारा पैनल सब लोगों के साथ में लीडर्स के साथ में बैठ के डिस्कस करके कंप्लीट कर लिया, सो वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। जो है चुनाव प्रचार में लोग लगेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।